ब्रेकिंग न्यूज आप तक। अजय आजाद ने 360 पोर्ट्रेट स्केच बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना मजबूत दावा पेश किया है। उनकी सफलता पर क्षेत्रवासियों ने काफी प्रसन्नता है। सहारनपुर के नगोड़ ब्लॉक क्षेत्र के आर्टिस्ट अजय आजाद ने लगातार 24 घंटे में 360 पोर्ट्रेट स्केच बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, ताकि उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जा सके। इस कार्य के लिए उन्होंने नकुड़ नगर के कैलिन सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12 अगस्त को सुबह 10 बजे स्केच बनाने शुरू किए। अजय आजाद ने 24 घंटे में 360 स्केच बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया। अपने निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट पूर्व 368 स्केच बनाने का गौरव प्राप्त कर लिया। अजय आजाद के साथ ब्रेकिंग न्यूज आप तक की विशेष रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज आप तक में अभी हम मौजूद हैं सहारनपुर के कस्बा नकुड़ में। यहाँ पे पढ़ने वाले कैल्विन एकेडमी में हम मौजूद हैं और आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने 24 घंटे में, हाँ मात्र 24 घंटे में 368 पोर्ट्रेट स्केच बनाने का काम किया है। पोर्ट्रेट स्केच की बात करें, व्यक्ति चित्र बनाने का काम किया है। यहीं पे टीचर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं और इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में की निगरानी में ये काम किया है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे महान शख्सियत से जिसने 368 पोर्ट्रेट स्केच बनाने का काम किया है मात्र 24 घंटे में। जी अजय आजाद जी, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज आप तक में। नमस्कार न्यूज आप तक। आपको ये पोर्ट्रेट स्केच बनाने की कब से शुरू किया है आपने? लगभग क्लास 6 से बना रहा हूँ। इसकी शुरुआत जब आपने किया है तो किसी को देख के किया कि मुझको इसको बनाना चाहिए, इसको करना चाहिए? बस ऐसे ही कभी देखता टीवी वगैरह में, तो उससे थोड़ा सीखने को मिलता था। तो इसमें जब आपने इस तरह कोई शिक्षा भी ली है इसमें, या कोई गुरु भी आपका रहा है? हाँ जी सर, गुरु रहे हैं डॉक्टर रामसब सिंह, डॉक्टर महेश। मैंने शिक्षा की है जेवी जैन डिग्री कॉलेज से, एमए किया है, और मैंने पोर्ट्रेट एमए फर्स्ट ईयर में पोर्ट्रेट में सिखाया जाता था। वहाँ जाके मैं सही मालूम हुआ कि पोर्ट्रेट कैसे बनता है, उसकी सही बिल्कुल लाइन टू लाइन जानकारी हमें उन्होंने सिखाई है लाइन टू लाइन वाला। जैसे पोर्ट्रेट स्केच को लेके आपका रुझान रहा है, तो इसमें आपको प्रोत्साहित किसने किया, प्रोत्साहन किसका रहा है? प्रोत्साहन हमारे स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर पुष्कर सैनी, समस्त स्टाफ, इन सबका मेरा बहुत अच्छा प्रोत्साहन रहा मेरे लिए। अभी हाल ही में आपने इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए काम किया है जी। इसकी निगरानी में आपने 368 पोर्ट्रेट स्केच बनाए हैं, 368 लोगों के चित्र को कागज पे उकेरने का काम किया है। तो इसमें इंडिया जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, तो इसके लिए कैसा, क्या महसूस किया, क्या अनुभव रहा है आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, आई फील वेरी प्राउड, बहुत बहुत अच्छा लग रहा मुझे। ये आपने जो बनाया इसके बाद में आप, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने जी। तो जी आपने काम किया है 368 चित्र जो आपने बनाए हैं, तो इसमें क्या लगता है कि आप इससे ज़्यादा 24 घंटे में बना सकते हैं? बना सकते हैं सर। अगला जो रिकॉर्ड रहेगा, कितना रिकॉर्ड आपका रहेगा? अभी ये मैं सही कह नहीं सकता, अभी तो मैं इसके बारे में सोच ही रहा हूँ, लेकिन जल्दी आप देखेंगे बस। अच्छा, बचपन से अभी तक की जो अनुभव रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, पोर्ट्रेट स्केच को लेके। पोर्ट्रेट स्केच को लेके सर बड़ा अच्छा अनुभव रहा बचपन से, मनाता रहता हूँ। वो मेरा सबसे यादगार पहलू रहा है, अभी हमने दिल्ली में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, आपने शायद देखा भी होगा न्यूज में, वह विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर बनाया था। वो एक दिल्ली में फाउंडेशन है, कलाकार फाउंडेशन, उनके सानिध्य में वो सारा काम हुआ है, और उसमें हमने 1145 लोगों ने मिल के 3500 फुट लंबी पेंटिंग बनाई, और ये रिकॉर्ड पहले चीन के नाम था और अभी भारत के नाम है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसमें आपने 1145 लोगों में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया भर के तमाम कलाकार वहाँ पे आए हैं, तो आपने जो उस पेंटिंग पे बनाया है, तो आपने क्या बनाया था उस पेंटिंग पे? मेरे पास एक थीम थी, मुझे हमें वहाँ पे नेचर में काम करना था, और मेरे पास एक नदी जारी है और उसके पास एक नाव है और एक पेड़ सामने, कुछ पेड़ पीछे और आसमान बादल ये सब।
नेचुरल पेंटिंग आपने बनाई, नेचुरल पेंटिंग आपने बनाई है। तो इसमें अभी आपने जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बनाया, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने काम किया, यहाँ पे कैलविन एकेडमी में काम किया है, तो इसमें अभी हाल ही में आपको कुछ प्रोवाइड करा गए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले, कुछ दे के गए सब? जी, एक मेडल और ये बुक। अच्छा, बुक्स और मेडल आपको प्रोवाइड करा के गए हैं, तो अभी आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स और डाटा वो लेके गए हैं? हाँ, वो मेरा सभी डाटा ले गए हैं अपने सारे सबूतों के साथ। मिस्टर उनके जज आए थे वहाँ से, वो कौन सर आए थे? टीम मेंबर मिस्टर गिरीश कुमार शर्मा, वो यहाँ से शाम को निकल गए थे और वो सारे सबूतों के साथ वो वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे कल। कल छुट्टी रहेगी जी, वो रिपोर्ट करेंगे जी परसों। चलो, आप ये बताइए कि अभी कैल्विन में आप ये पोर्ट्रेट स्केच की शिक्षा दे रहे हैं, कितने बच्चों को अपनी इस लाइन पे इस कलाकार के रूम में आप जाए उभार के लेकर आ रहे हैं? लगभग 50% बच्चे, स्कूल के 50% बच्चे आपके साथ चल रहे हैं? जी नहीं, बच्चे तो सारे चल रहे हैं सर, लेकिन जो बच्चे अच्छा काम कर लेते हैं वो 50% है। जो बच्चे अच्छा काम कर लेते हैं 50% है। तो क्या ये आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड हमारे नाम होगा गिनीज बुक ऑफ? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, दावे के साथ। क्या आप भारत का नाम रोशन करेंगे? बिल्कुल, भारत का, अपने स्कूल का, अपने देश का, अपने क्षेत्र का मैं रोशन करना चाहूँगा। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज आप तक के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये है कि कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती है, कोशिश कर देना चाहिए, ठीक है? नहीं, आपने एक चींटी को देखा होगा, वो अपने वेट से ज़्यादा भार उठा लेती है, लेकिन वो गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो चढ़ती रहती है, तो वो कोशिश करती है तो पार हो जाती है। अच्छा, गांव की देहात की परंपरा से आप निकल के आए हैं, क्या कभी आपको कभी कोई चीज़ महसूस होती है कि मेरे पास ये होना चाहिए इस काम को करने प्रोटेक्ट नहीं करने? मैं जिस स्थिति में, मैं संसाधनों के मेरे पास ना, मैं जिस स्थिति में हूँ, जिस परिवार से हूँ, मेरे पास जो कुछ है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ पूर्ण रूप से। खैर, आने वाले भविष्य के लिए, सुखद भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला जो टारगेट आपका जल्दी अचीव हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाए, इन सब शुभकामनाओं के साथ जी। हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है, यूँ सबको भुला दे कि तुझे कोई ना भूले, दुनिया ही में रहना है तो दुनिया से गुजर जा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इस दौलत को संभाल के रखना। खैर, बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रेकिंग न्यूज आप तक से बात करने के लिए। थैंक यू। अजय आजाद जी ने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया, तो कैल्विन एकेडमी प्रबंधक होने के नाते, चेयरमैन होने के नाते क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जब मेरे यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और मैंने इनका टैलेंट देखा, तो मैंने सर को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन किया कि आप इसमें आगे निकलिए और स्कूल की तरफ से जो सहायता होगी, स्कूल अपनी तरफ से हर संभव प्रयास इसमें करेगा। हमने इनके लिए काफ़ी जगह अप्लाई किया, इंडिया बुक रिकॉर्ड से हमारे पास कॉल आई और हमने वहाँ अप्लाई किया और वहाँ से मेंबर आए, और हमारा टारगेट था कि हम 24 घंटे में 360 का स्केच का टारगेट हमने उन लोगों को दिया था। लेकिन अगर हम लोग चाहते, मतलब अगर हमारे सर चाहते, तो इसको 400 से ऊपर कर सकते थे। ये टारगेट हमने करीब 18-19 घंटे में इसको पार कर दिया था, और मेरी यही शुभकामना है कि आने वाले टाइम में ये प्रतिभा निखरे और देश विदेश तक इन लोगों का नाम हो कि कोई अजय आजाद नाम का आदमी नकुड़ के छोटे से क्षेत्र से निकलकर आज देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है। सर, अगला टारगेट इनका रहेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड? अगले टारगेट के लिए हम लोग गिनीज बुक के लिए जा रहे हैं अभी, और इसमें हम जल्दी अप्लाई करेंगे इसके लिए, और संभावना ये है कि ये भी रिकॉर्ड हम तोड़ने में कामयाब होंगे। कैमरामैन कलीम अहमद के साथ मैं अनुज प्रताप, ब्रेकिंग न्यूज आप तक। ब्रेकिंग न्यूज आप तक।